हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। सो आज हम सीखेंगे एक डिज़ाइनर बॉर्डर फॉर स्वेटर एंड कार्डिगन्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 22 स्टिचेस लिए हैं। वी विल कास्ट द मल्टीपल ऑफ 3+1। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के पास। इसे फ्रेंड्स 3x1 रिबिंग स्टिच भी कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक लगता है। ये बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। आप इसे किसी भी लेडीज़, जेंट्स या किड्स के स्वेटर पर डाल सकते हैं। ये हमारी फ्रेंड्स देखिए किस तरह से हमें फॉलो करना है। ये है row 1। फर्स्ट स्टिच को हम एज इट इज़ ले लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हमें जो सेकंड की जगह थर्ड है, जो थर्ड स्टिच है, उसे पीछे से इस तरह से लेंगे और इसे निट करेंगे हम इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। और जो अब आगे वाला है, इसको बैक साइड से लेकर हम निट करेंगे नॉर्मली और दोनों को छोड़ देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और ये उल्टा। ये तीन घर का फ्रेंड हमें जो पैटर्न है, यही फॉलो करना है पूरी रो में। आइए एक बार फिर से देखते हैं। धागा दूसरी तरफ, पीछे से सेकंड वाले स्टिच को लेंगे, इस तरह से निट करेंगे। आगे वाले को बैक साइड से हम इस तरह से डालेंगे और नॉर्मली नेट करेंगे और दोनों को छोड़ देंगे और फिर एक घर उल्टा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा। धागा दूसरी तरफ, सेकंड वाले को पहले नेट करेंगे, फिर फर्स्ट वाले को नेट करेंगे, दोनों को एक साथ छोड़ देंगे, धागा अपनी तरफ और एक उल्टा फंदा। यही पैटर्न हम पूरे में फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, पूरी रो में। ये वाला बॉर्डर बहुत ही फैंसी और यूनिक लुक देता है स्वेटर को। इस बॉर्डर को फ्रेंड्स आप कोई भी निट कर सकता है, जैसे बिगिनर भी इसे ले सकते हैं। इस तरह से हम पूरी रो को फिनिश करेंगे। लास्ट वाला हमने उल्टा ही ले लिया, जिस तरह से वो आ रहा था। ये हमारी row 1 कंप्लीट होती है। अब row 2 और रॉन्ग साइड। row 2 में जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, जिस तरफ ही आ रहा होगा उसी तरफ लेंगे, स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। फ्रेंड्स अब हमें जो क्या करना है, जो दो उल्टे हैं उसमें सेकंड वाले को पहले नेट करेंगे, उल्टा ही बनाएंगे और फिर फर्स्ट वाले को बनाएंगे हम इस तरह से, और एक हम सीधा लेंगे, सीधा फंदा सीधा। दो उल्टे हैं, दोनों को उल्टा ही लेंगे, लेकिन पहले हम सेकंड वाले को नेट करेंगे और फिर हम फर्स्ट वाले को उल्टा नेट करके दोनों को इकट्ठा छोड़ देंगे। धागा दूसरी तरफ और सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा लेंगे दूसरा, फिर हम पहला लेंगे और दोनों को एक साथ स्लिप कर देंगे, धागा दूसरी तरफ सीधा। यही पैटर्न हम पूरा इसमें फॉलो करेंगे रॉन्ग साइड में फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये दो ही रोज है पैटर्न की, row 1 एंड row 2। आपको ये दो रो ही रिपीट करनी है पूरे के पूरे बॉर्डर में। लास्ट स्टिच उल्टा ही है और ऐसे ही हम इसे ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका बॉर्डर इस तरह से दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा सा और नेट करके आपको दिखा देती हूँ एक और बार। फर्स्ट स्टिच एज इट इज स्लिप कर लिया है, फिर हम अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। सेकंड वाले फंदे को पहले नेट करेंगे, उसके बाद ही हमने फर्स्ट को नेट करना है। इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। इस तरह से उल्टा फंदा उल्टा,
धागा दूसरी तरफ, सेकंड वाला सीधा पहले लेंगे बैक साइड से, बैक साइड से ही हम फर्स्ट वाले को लेंगे इसके बाद। और दोनों को एक साथ स्लिप कर देंगे और फिर हम उल्टा लेंगे। इस तरह से आपको पूरा का पूरा बॉर्डर नट करना होगा। आप इसको बेबी स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स कार्डिगन, स्वेटर, इवन मफलर्स, शॉल्स, आप इसे किसी में भी नट कर सकते हैं। ये सभी में सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आगे के आने वाले डिज़ाइंस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको मेरे डिज़ाइंस अच्छे लग रहे हैं या आप कुछ और नया सीखना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक किसी डिज़ाइन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पर उनको लाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमें ये बॉर्डर बना तो दिया है, अब इसे हम क्लोज़ किस तरह से करेंगे, अब नॉर्मल नेट किस तरह से करेंगे वो आपको मैं इसमें बता देती हूँ। फर्स्ट स्टिच को हम एज इट इज़ ही लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमारा सेकंड है उसे हम नीचे से लेंगे इस तरह से। इसको नीचे से इस तरह से नहीं लेना है हमें धागे को, हमें इस तरह से ऊपर से लेना है इस तरह से। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट दिखाती हूँ। इस तरह से नहीं लेंगे, नीचे से लेंगे और ये इस तरह ऊपर से आपने धागा घुमा के लेना है, नीचे से नहीं लेना है। मैं फिर बता रही हूँ, आप इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स नीचे से निट करेंगे और ऊपर से हम धागे का लपेटा लेते हुए इसको निट करेंगे। इस तरह से आप अपने बॉर्डर को एक फाइन क्लोजर दे सकते हैं। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका फिर रो वन अगर आप इसी में पैटर्न स्टार्ट कर देंगे तो वो उतना फिनिशिंग से स्टार्ट नहीं होगा। उसको फिनिशिंग से स्टार्ट देने के लिए हमें रो वन पहले इस तरह से निट करनी होगी फ्रेंड्स, तभी वो एक सुंदर लुक देगा। पूरी रो को हम इस तरह से निट कर लेंगे। ये हमारी पूरी रो हो गई कंप्लीट। रॉन्ग साइड हम रॉन्ग ही नेट करेंगे और उसके बाद आपका जो भी पैटर्न हो फ्रेंड्स वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरे बॉर्डर का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस तरह से हमारा बॉर्डर रेडी है। ये बहुत ही सुंदर लगता है डाल के। आप ज़रूर डालिएगा और फिर बताइएगा आपको कैसा लगा ये फैंसी बॉर्डर फॉर स्वेटर एंड कार्डिगन्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।